सब्सक्राइब करें माई आर्ट चैनल को और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हर नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लाइनिंग वाले सूट के चाक किस तरह से मोड़ते हैं। तो चाक मोड़ने से पहले सबसे पहले हमें अपनी लाइनिंग को मोड़ लेना है, और लाइनिंग को मोड़ने के बाद अगर आपको लगता है कि हमारे चाक कहीं से छोटे या बड़े हैं तो उन्हें हमें पहले काट के बिल्कुल इकसार कर लेना है। सूट को हम अपने उल्टा रखते हैं और उल्टा रखने के बाद हम इसको इस तरह से पलट देते हैं। देखिए, यहाँ तक हमारी चाक की सिलाई है और इस सिलाई से हम बिल्कुल सीधा निशान नीचे तक लगाएंगे, और अगर आपको नीचे से थोड़ी चौड़ाई रखनी है तो थोड़ा तिरछा निशान लगाइए। लेकिन मैंने इसकी कटिंग बिल्कुल इसी हिसाब से की है, मुझे बिल्कुल सीधा निशान लगाना है यानी बिल्कुल सीधा मोड़ना है। और ये निशान आप स्केल की सहायता से भी लगा सकते हैं। देखिए, दोनों साइड इस तरह से निशान लगाने के बाद हम इन निशानों को डार्क कर लेते हैं और इसके बाद हम इसको इस तरह से पलट लेते हैं दूसरे हिस्से को, और पलटने के बाद हम इस तरह से दोनों साइड से थपथपा के ये निशान दूसरी साइड भी ले आएंगे। और देखिए, ये निशान हमारे दूसरी साइड भी आ जाते हैं और इनको हम डार्क कर लेंगे। और देखिए, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ, जो हमारी ये फिटिंग की सिलाई है और जहाँ पर हम अपने हिप का निशान लगाते हैं वो सिलाई हमें इस तरह से करके छोड़नी है। कई लोग क्या करते हैं, उस सिलाई को इस तरह से ले आते हैं तो वो चाक मोड़ने के लिए हमारे पास जगह नहीं रहती। ये तरीका बिल्कुल गलत है। तो हमें देखिए, ये सिलाई इस तरह से यहाँ पे ला के रोक देनी है, तब हमें चाक बनाने होते हैं। और देखिए, इसके बाद जो हमने निशान लगाए हैं उस निशान के ऊपर हम इस तरह से इसको बिल्कुल ऐसे मोड़ते हैं जहाँ पर हमारे ये निशान है। एक बार ऐसे मोड़ेंगे और फिर इस निशान को इस तरह से इसके बराबर मोड़ते जाएंगे और यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करेंगे। यहाँ तक लाने के बाद हम इसको दूसरी साइड मोड़ते हैं इस तरह से, और देखिए हमारा ये जो निशान है इसी निशान पर हम फिर इसको इस तरह से मोड़ते हैं। एक सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे और इसको हम इस तरह से दूसरी साइड ले आएंगे और इसी निशान के ऊपर इस तरह से हम मोड़ते जाएंगे। और बिल्कुल इसी तरह से हमें दूसरी साइड के चाक भी मोड़ने हैं इसी निशान के ऊपर। देखिए, आप देख सकते हैं हमारे चाक कितनी सफाई से मुड़े हैं और ये दोनों साइड से बिल्कुल बराबर है, कहीं से छोटे बड़े नहीं हैं। देखिए, और इसके बाद आपको जितना भी हिस्सा मोड़ना है नीचे से आप इसको मोड़ सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी,
और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।